गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत गंदी दिख रही, मुझे पता है, मतलब गंदी नहीं मैं अच्छी दिख रही। दो चोटियां क्योंकि मैंने दो चोटी डाला है, क्योंकि मुझे बहुत मन करता है ऐसे दो चोटियां डालने का। और अभी मैं बना रही हूँ बर्गर जो मुझे खाना था। और किसने भेजा ये भी तो बताओ। और ये बर्गर का पूरा ना सामान, मतलब ये पेटीज एंड ये बर्गर का बन, ये सब ना ऑल द वे फ्रॉम बांद्रा है, जो मेरी फुप्पी है ना पिंकी फुई उन्होंने भेजा, क्योंकि कल रात को मेरा भाई रुकने आया है यहाँ पर, तो उसके हाथ से ये सब भेजा। तो जब हम लोग खाएंगे और मैंने अम्मी लोग को बना के दी, तो अम्मी लोग से देखो कितना अच्छा बना है, बताएंगे वो लोग। चलो ना धूप तो चलो जाना। नहीं नहीं तो ऐसे अम्मी को बोला, अम्मी कैसे रिजल्ट आया है? नाश्ता शाम का नाश्ता रेडी हो रहा है, जैसे कि बर्गर चाय, और अभी मैडम बना रहे दो छोटी वाली बर्गर। मैम आप कुछ बोलना चाहोगे? तेल भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अगर इधर भी हम लोग जाएंगे ना आज, तो ये जो सॉस है ये मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ये सॉस को पहले डाल लो, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लो, फिर एक पेटीज लो, इसको ऊपर डालो एंड देन उस पर मायो डालो। टमाटर डालो उसके ऊपर रख दो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सना दीदी आ चुके हैं, अब मैं जाऊँगी अपने ससुराल। अस्सलाम वालेकुम, हमारी रीना आंटी भी आ गए और मेरी अम्मी ना गाइस कुछ बोल रहे थे, तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। पहली बात ये कुछ मैसेज लेके आया हूँ, बहुत दिन मिला नहीं है, चलो बाल खोलने का चक्कर ये मेरे को बहुत ज्यादा मस्ती करे थे, और करना भी चाहिए क्योंकि अपनी हेल्थ अपना शरीर अच्छा रखने का ना, तो मस्ती मजाक ये तो चाहिए चाहिए ना रीना, ये तो होना चाहिए। रीना ने तो उस दिन बहुत ज्यादा हंसाया, बहुत ज्यादा हंसाया, बाप रे हम लोग का ये दुखने लगा था हंस हंस के, जो कि मैंने मेरे ब्लॉग में डाली हूँ, रेंटी के सेकेंड ब्लॉग में नहीं थर्ड ब्लॉग में डालूंगी मैं, है ना। और दीपू की औरत है प्रेग्नेंट, मेरी बहू, ये दीपू हमारा वो जल्दी बाप बनने वाला है, तो वाफ्रिन को बोला उम्रा करने जा रही ना वाफ्रिन से, वाफ्रिन दुआ करना। तो मैं बोली लड़की के लिए ना, जाता है लड़का लड़की कुछ भी, बोली नहीं लड़की के लिए, क्योंकि पहले लड़की नसीब वाले को ही होती है ना, और अपने में तो समझो अल्लाह का लड़की होती तो अल्लाह का सलाम आता है, और हिंदू लोग में तो जैसा लड़की होगी तो लक्ष्मी पैदा होती है ना, तो पहले लड़की पैदा होना जरूरी है, क्योंकि मैं तो लकी हूँ क्योंकि मेरे को मेरी आफरीन पहला पैदा हुई थी, और आफरीन पैदा होने के बाद अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा नवाजा, क्योंकि बोलते हैं ना लड़की अपने नसीब का लिख के आती है, अल्लाह हर किसी को लड़की देता है तो उसकी नसीब का लिख के भेजता है अल्लाह, है ना। तो बेशक तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे बेटे को भी लड़की हो, भले उसे घर वाले कुछ भी चाहिए ही नहीं चाहिए मेरे को नहीं आना, लेकिन मैं तो दुआ करूँगी कि पहले लड़की हो, कि मेरे बेटे घर में भी लक्ष्मी आना चाहिए, है ना। अब ऐसे भी लोग दो भाई है जो घर में लड़की नहीं है, तो लड़की होना बहुत ज़रूरी है। देखो वो तो अल्लाह के हाथ में लड़का या लड़की कुछ भी देना अपने हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन बोलते ना दुआ भी करना ज़रूरी है, अल्लाह क्या पता कब किसी की दुआ कबूल कर ले। और मैं तो लड़की लोग से बहुत खुश होती हूँ, अगर जिसके घर में लड़की है ना तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि अल्लाह नसीब वाले को ही लड़की देता है, जिसके घर में लड़की है तो वो लोग नाराज़ नहीं होना उनका खुश होना, क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह जिसको पसंद करता है ना उसके घर में लड़की भेजता है, है ना आप। तो मैं तो बहुत, मेरे घर में तो दो दो लड़की है, तो मैं बहुत खुश हूँ, जिससे घर में लड़की होती है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आजकल की तारीख में लड़की लोग ही माँ बाप को संभालते हैं, लड़के लोग तो औरत आएंगे तो माँ बाप को भूल जाते हैं, कौन माँ कौन बाप, हाँ मेरा औरत बोली ये सही रहेगा, हाँ मेरे, अरे जो माँ बाप बोले वो गलत रहेगा, जो पैदा करा माँ बाप, जो तुमको पाल पोस के बड़ा करा, इतना बड़ा करे
हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे, दोनों के लिए सुख दुख झेले, रात भर जगे, तो वो माँ बाप गलत और आजकल की लड़की आई वो सही। हाँ लड़की बोली रहेगी ना वो सही रहेगा। क्योंकि देखो मैं भी शादी करके गई थी ना, तो मैंने कभी ये नहीं, मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे आदमी को मैं उसकी माँ बाप से दूर करूँ, और वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करी। इसके लिए आज मेरे ससुराल वाले, भले मैं कुछ भी हूँ कैसी भी हूँ, मेरे साथ में है ना आफरीन। हाँ ठीक है, मैंने आफरीन के अब्बा को कभी उसके अम्मी अब्बा से कभी दूर नहीं करी, और ना ही कभी करूँगी भी। और मैं मेरे बच्चे लोग से भी यही उम्मीद करती हूँ, शादी करके जाएंगे तो लोग भी जैसा मेरे को माँ समझते, जैसे सास को माँ समझे, ससुरे को बाप समझे, और आदमी के पूरी फैमिली को लेके चले। मेरे को तो मेरे आपने से ये उम्मीद है, आप देखो आ रहा के अल्लाह मालिक है। ठीक है, जैसे हमारे नक्शे कदम पे हमारे बच्चे चलेंगे, तो मैं मेरे पूरे मायके को और ससुराल को लेके चलती, वैसे मेरे बच्चे लोग भी चले, यही दुआ करती हूँ। जैसे अगर मैं लड़की है ना, तो मैं तो मुझे बहुत खुश नहीं है ना, तुम्हारा घर लेके चलते हैं, ये घर लेके चलते हैं हमेशा, और इसको सब लोग लाइक करते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे लोग, ये जो चीज़ है ना, ये नहीं रहने देते, किंतु एक आपकी फैमिली है, हर चीज में सामान क्या घर गया, क्या लाना है, क्या मेहमान आया, क्या करना है, हर चीज़ में रहते हैं। मेरे मेहमान लोग का भी मैं ही ले लूँ, मेरे बच्चे लोग संभाल लेते, मेरे आपने सोफे पूरा हैंडल कर लेना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सामने हट के नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको बहुत तारीफ करती हूँ, मेरे बच्चे तारीफ कर रहे, और जो कोई भी आता है ना, मैं रू नहीं रू, लेकिन मेरे बच्चे लोग की तारीफ करते ही करते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वाले रहने दो या बाहर वाले रहने दो, ना मेरे बच्चे लोग में एटीट्यूड है, अल्लाह का दिया, देखो हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है, सब कुछ है, और मेरे बच्चे लोग के लिए माँ भी मई, मैं बाप भी मई है ना। हाँ तो हमारे घर में कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, कपड़ा लत्ता सोना डाक नगीना पैसा गाड़ी घोड़ा इज्जत दौलत शौरत, अल्लाह ने हर एक चीज़ से नवाजा, अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है, लेकिन मेरे बच्चे लोग कोई चीज़ में ना एटीट्यूड है, ना पहले था ना अभी है ना आगे रहेगा। हाँ, तो कभी नहीं रहेगा, एटीट्यूड जरा भी नहीं है ना बेटा। हाँ, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इज्जत देना जरूरी है, क्योंकि हम गरीब को भी इज्जत देंगे तो अपनी इज्जत करेगा, नहीं तो गरीब भी बोलेगा चल तू पैसा वाला तेरे घर है ना। अरे मेरे जाफर भाई सूरज से फोन आ रहा है, थोड़ा देर बात बात करती हूँ, तो सब लोग दुआ करना कि मेरे बेटे को, मेरे दीपू को लड़की हो, तो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, लक्ष्मी ना धमाल मचा देंगे, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी चाहिए ना। अरे दीपू दिल से बोल रहे हैं, धन लक्ष्मी, लक्ष्मी आती तो धन लेके आती है, धन लक्ष्मी है ना। तो सब लोग दुआ करना मेरे बेटे के लिए, और अरे बच्चे अपने माँ बाप का इज्जत करो यार, चाहे हो चाहे लड़का, माँ बाप को हथेली पे रखो, आज हम हमारे माँ बाप की इज्जत करेंगे ना, तो कल के तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर आज माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, कि ये सोचेंगे कि मेरी माँ बाप ने उनके अम्मी अपा की इज्जत नहीं करे थे तो हम क्यों करें, जैसा बोलते ना वैसे ही पाओ है ना। और अभी सना दीदी आए, चलो चलो आए मेरे को नाक का पे। मैं और सना दी जा रहे हैं मेरे ससुराल काशी मेरा, क्योंकि हमें थोड़ा क्या करना है सना दी वहाँ पे फेशियल, हाँ जो मेरी सासू मॉम है उनको फेशियल वगैरह करना है, तो चलो चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि कल हम लोग का फंक्शन है उमरा से जाने के पहले जो दावत रखते वो है, तो अभी हम लोग आए मेरे कपड़े लेने, तो लेते हैं माशाल्लाह यहाँ से आपने अभी कपड़े जो कल पहने, हाँ कल देखना आपने क्या पहने वाली दावत में, और इसके तो डिजाइन है, इसके तो मतलब ड्रेस तो एकदम सीधा साधा सिंपल सोबर ही रहता है, और इसको कोई ड्रेस भी पसंद नहीं आते, अम्मी तुम पसंद करो, अम्मी तुम पसंद करो, क्योंकि इसका कपड़ा चूज करने आते हैं नहीं, इसको खाली जीन्स टी शर्ट पसंद आते हैं, एकदम राइट, समझ में आता नहीं है, अजब भी नहीं होता, और हर बार बोलते अम्मी तुम पसंद करो, देखो तभी इसके लिए कपड़ा पसंद करे। मैंने अभी चप्पल में वो लोफर्स लिया है ब्लैक वाला, तो आएंगे तो भी चप्पल लेने आफरीन को लूट लो है ना, अरे किधर है आफरीन को, आफरीन को लूट लो, दुकान का नाम है लूट लो, ये हमारे नया नगर में है अस्मिता स्पॉन में, लोफर्स जो मेरे पास पहले थी ये सिंपल ही चप्पल बनती है से देख सकते हैं।
लोफर अभी तो मेरे को और कुछ नहीं, तीन जोड़ी चप्पल हो गई मेरी। ये ले थी? नहीं ले ले वाइट कपड़े ली मैंने, वाइट ली। अपने चाय मंगाया हमारे लिए, हमारे अंसर में और चाय मस्त मंगाया। ये हमारे घर आज से नहीं 25-30 साल से क्या हमारे कोई काम ही नहीं वैसे नहीं जो मतलब। गाइस मेरी माँ ना हमेशा मेरे को चम्मक धमक ही पिलाते रहते। अरे तो हर कोई माँ अपने बच्चे को चम्मक धमक पिलाते क्या। और अभी जा रही हूँ, लेकिन बाइक लेके आना पड़ेगा उधर। हाँ अभी मैं बस स्कार्फ दिलाने लेके जा रहे हैं, और इसने जो लेके आई है ना वो एकदम सिंपल सिंपल है। और मैं चाहूंगी कि हर कोई माँ चाहेगी कि अपने बच्चे अच्छे रहे, है ना। अरे तो अच्छा तो लगेगा। सो गाइस हम लोग का घर थोड़ा मैसी मैसी सा लगता रहेगा क्योंकि मैं घर पर आ चुकी अपनी शॉपिंग करके, अपनी सासू माँ को सब फेशियल वगैरह सब करवा के। और अभी हम लोग पैक कर रहे हैं सब हमारे सामान क्योंकि हम लोगों को दौलत नगर जाना है। वहाँ पर आज रात को हम लोग रुकेंगे क्योंकि कल हम लोग का फंक्शन है, इसीलिए ये सब तेरा डालना। yes. अपनी लेंस का था है सब लेंस, ये जो मुझे एंगेजमेंट में स्लिप चक्कर आई थी हील्स, तो कल मैं ये पहनूंगी अगर मुझसे हुआ तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे पूरा मेरा बोझा पैक हो रहा है एंड मेरी वॉच और देखिए क्या मेरी वो लेंस मेरी कहाँ गई यार। सो गाइस यहाँ पर मैं भैया भी ऐसे बैठी हूँ, मुझे भी रेडी होना है, तो मिलते हैं आप लोग से आगे। गाइस यहाँ पर दीदी पीलिंग लगा रहे हैं जो हम लोग स्किन का बता रहे थे। ये ऑर्डिनरी की पीलिंग है, मतलब आप लोग जो ब्लीच फेशियल वगैरह करते हो मैं नहीं करती हूँ, ना ही सोफिया करती है, तो हम लोग ये पीलिंग यूज़ करते हैं उसके लिए। और मेरी मम्मी हंस रहे हैं तो ये ना अपना मतलब जो ब्लीच काम करती है ना वो ये पीलिंग काम करती है, लेकिन ये ब्लीच से ज़्यादा सेफ है। सो गाइस हम लोग स्किन का राज हम लोग सब बता रहे हैं आप लोग को। लगाते इसको मैं बताती हूँ क्या बोल रहे अम्मा, क्यों मेरे को भी लगा क्यों क्या, क्योंकि मैं भी तो थोड़ी गोरी गोरी और क्या हुआ तो मैं अभी ये वाले एरिया पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे अपर लिप्स करवाया है तो वो जलेगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगी, बाकी पूरे फेस पे लगाऊंगी अपने। गाइस देख रहे हो खून निकल रहा है, ओ माय गॉड। गाइस इसके बाद आप लोग बोलना कि मैं व्लॉग में ज्यादा नहीं दिखती हूँ, इसलिए नहीं दिखती हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं रहती है व्लॉग में। गाइस मेरी भंगी होता है इसके लिए दिख रही है क्योंकि अभी मैं जाऊंगी मस्त पिलिंग लगा के फ्रेश होने वॉशरूम में, और ये लगा रही है पीछे पिलिंग, सभी मिल रहे हैं आप लोग से पीलिंग लगा रही है, फिर मेरी पीलिंग के टाइम हम लोग मिलेंगे। अभी मैंने पीलिंग लगा लिया है पूरे फेस पे और नेक पे, अभी मेरी अम्मी की बारी पीलिंग लगाने की, लेकिन अभी वो खाना खा रहे फिलहाल। देखो मेरी अम्मी खाना खा रहे गाइस, फेवरेट खाना है ना मुम्बाज का तुम्हारा, दाल चावल मच्छी पराठा गिल्ला बॉम्बे। सो गाइस मेरा मुंह देख सकते हो आप कितना चमक रहा है वो पीलिंग लगाने के बाद, और अभी मेरी अम्मी भी चमकेंगे। मैं उसकी लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मंगा सकते हो नायका से। और अभी हमारी सोफी बहन भी पीलिंग से मुंह साफ करेगी, देखो यहाँ पे मुंह पोछ रही है, बता सोफी ऐसे बता ना, ये देखो गाइस उसकी कितनी स्किन पोछ अच्छे से, इससे ब्लैक हेड्स वगैरह ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना बोबा। एंड इसको ना थोड़े लूक वार्म वाटर से पोंछने का तो कितना अच्छा लगेगा, माशाल्लाह बोलिएगा हमें नज़र लग जाती है। कल किसने कमेंट किया था क्या वो गाइस, देखो हम लोगों ने वो जो बनाए थे कौन सा मेरा वो प्रमोशन वाला था ना, तो हमारे नंगा आ गए
थैंक यू तो बोल, तेरे बारे में इतने सब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। सुन अरबाज भी यूट्यूब चैनल खोलेगा, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल सिंगिंग करेगा, राइट अरबाज? गाइस और हम लोग वो मस्ती मजाक कर रहे थे फन के लिए कर रहे थे। हाँ तो वो किसी गलत ने बोला गाइस ये मेरा भाई है। अरे नहीं, कोई कोई कमेंट कर रहा था ना कि आप लोग ऐसे मजाक उड़ा। वाइप योर नेक ऑफ। यप, मेरे को गाइस सपोर्ट करना पहले चालू तक कर तू। बहुत जल्दी YouTube चैनल स्टार्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई सपोर्ट करे या ना करे मैं करूंगी बस। एक एक करियर अरबाज, अरबाज एक, अरबाज एक गाना सुना। सलमान बोले ना दीदी, हद में तो अच्छा लगेगा। हद में थोड़ा बोल ना गाना अरबाज। क्या गाओ? एक एक ही लाइन, कोई भी गाने की या कव्वाली की। नहीं स्टॉप तो करो फिर। तो गाइस अभी हम लोग पपैया खा रहे हैं। हाँ मीठे पपैये ही अच्छे लगते तेरे जैसा क्यूट सा। हाँ बेटा बोले मैं पपैया जैसा मीठा हूँ। हाँ बोलते एकदम मैं सॉफ्ट सॉफ्ट हूँ ना सलमान, खूबसूरत कालिया छोपी दीदी इतने सीखे थे। हेलो आप देख सकते हो आफरीन दीदी यहाँ पर अपनी मम्मी की चेन धो रहे हैं और खुद की भी। यस सुबह निकाल क्यों उसमें बाल लटके पूरा मम्मी। गाइस जब इतनी एक्सपेंसिव चीज है तो उसको संभाल के उसको धो धाती गाइस मैं जा रही हूँ आगे दौलत नगर। बाय गाइस। आगे क्यों गाइस मैं रेडी हो गई। सो गाइस अभी रात के 2 बज रहे और हम लोग फाइनली अपना घर छोड़ के हम लोग जा रहे दौलत नगर वाले घर पर। और हम 3 ही बचे थे क्योंकि हम लोगों को ये पूरा पैक करना था, पेटी वेटी। हाँ सब गए। हाँ हम लोग तीनों जाएंगे। रुको चालू करो 4 व्हीलर की चाबी और घर की चाबी लेने का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोरीवली और मेरे आफरीन कर रहे गाड़ी चला रही, गाड़ी ड्राइविंग क्या बोलते हैं वो कर रही है आफरीन। ये देखो 4 व्हीलर चला रही है। हाँ फोर व्हीलर पूरी टूट फूट गई है मम्मा। बेटा इतने लोग चलाएंगे इसको, खींचेंगे, घसड़ेंगे, पछड़ेंगे। और हम किसी को गाड़ी वाड़ी देने मना भी नहीं करते। मना के अभी कभी किसी को गाड़ी मना देने करती नहीं। जो है मांगता गाड़ी लो, ऋण दो, बाइक ऋण दो, जो मांगता तो दे देते लोग, है ना। ऐसे तो बच्चे है तो क्या होने वाली है सोचो। कितना तो अपने एक साइकिल तलक का नहीं देते है। अभी नाक की देखो किसी के नसीब में हमारे चलाना नहीं चलाना। अच्छा फिर अपने को दुआ देगा। हाय हाय दुआ देगा और मेरी जेब भी उड़ जाएगी ना बनाने करने। तो अल्लाह देता है ना उतना। हाँ अल्लाह तो देता ही है लेकिन सबको देने का गाड़ी। अच्छा और अभी हम लोग जा रहे हैं बोरीवली घर पे क्योंकि कल वहाँ पे कुछ काम भी है। सब मंडप विंडप वाले आने वाले, हॉल में कुछ क्या है क्या नहीं, खाने वाला आने वाला है सब। तो वो इधर होंगी तो मैं जल्दी उठ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे में एक आदत बहुत ख़राब है, मैं जल्दी उठती नहीं हूँ। 3-4 बजे के अलावा तो मैं उठती नहीं हूँ। अगर कुछ काम रहेगा तो उठ भी जाती है, ऐसा नहीं है। काम पहले इम्पोर्टेंट है ना, जब काम नहीं रहता है तो सोती रहती हूँ। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं बोरीवली, है ना। और आज हम लोग के व्लॉग में सिर्फ मैं और अम्मी दिखने वाले, सोफिया से ज्यादा। हाँ ज्यादा हम लोग भी दिखेंगे। सही बोली तुम तो यहाँ पर नहीं थे ना सलमान भाई, जब हम लोग यहाँ पर रहते थे, जब मतलब अपनी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी ना। हाँ बराबर, वो टाइम पे इतना नहीं था एक्चुअली, पर बट अभी कैसा एकदम ना क्लोज हो गए अपन, क्लोज एकदम ही ज्यादा क्लोज हो गए। और अभी कैसा अपनी मेरी दीदी
एक्चुअली मैं ऐसा तो मैं नाम ले सकता हूँ उसका, हम लोग प्यार से उसको दीदी बोलते हैं, सब लोग दीदी बोलते हैं, सब दीदी बोलते हैं। तो दीदी अभी जा रही उम्रा को, इंशाल्लाह उसका उम्रा अच्छे से हो जावे। आमीन आमीन। तो यही दुआ है और हमारे लिए भी दुआ करे। हाँ, वो तो सबके लिए करूंगी, हर एक लोग के लिए। अच्छी कोई लड़की मिल जाए हमारे को इंशाल्लाह, तुम्हारी दुआ से अच्छे से हो जावे, सब लोग अच्छे से सफर हो जावे इंशाल्लाह। लोग हैप्पी जर्नी बोलते वैसा इंशाल्लाह सब अल्लाह के दरजा रहे तो हैप्पी जर्नी होगी वो तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है पूरे कायनात के सदके में। और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ भाई, खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ क्या, खाली दीदी लोग ना अच्छे से लोग कल का जो हमारा कल का प्रोग्राम है फंक्शन हो वो खाली अच्छे से हो जावे, गरीब नवाज सरकार के करम से ऊपर अरे कर्म से हो जाए अच्छे से तो क्या टेंशन फ्री हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह फिर 12-13 तारीख को भी कुछ फंक्शन है ना अपना, शायद पता नहीं, शायद है कुछ वो जो हमारे जो एजेंट अपना जो मेन है ना। अच्छा, हाँ, टूर वाले लोग, राइट, टूर वाले लोग है ना 15-12 तारीख को बराबर भी अच्छे से इंशाल्लाह हो जावे। देखो हमारी बहन आई है और अभी हम लोग नाज शरीफ की नाज पढ़ने की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो सूफिया लोग ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या ही सीख क्या ही इंशाल्लाह। अच्छा साफ सफाई करने गए थे वो? नहीं नहीं एक्चुअली वो साफ सफाई करी, अच्छा है घर अपना साफ सफाई रहेगा अच्छी बात है। सूफिया पे कितनी मेमोरीज थी ना अपनी। जी जी इंशाल्लाह वो भी बगदाद शरीफ जाएगी उम्रा करने के बाद। भी हम लोग आ गए बोरीवली वाले घर पर एंड खा पी लिया और मुझे इतना यहाँ पर ना एकदम इमोशनल मोमेंट हो रहा है मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि ये जगह पर हम लोग की इतनी मेमोरीज है, इतनी मस्तियाँ है और इतना सब कुछ हम लोग ने यहाँ से सीखा है करा है, तो इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल जैसी हूँ। और मैं अपने बेड पे लेट के अपनी जो बेड की साइड थी कोने वाली वहाँ पर लेट के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फ्लैशबैक हो रहा है मेरे माइंड पे, क्या दिन थे यार वो। और अभी देखो सब अलग अलग हो गए, कोई सब अपने जॉब्स में बिजी हो गए, कोई पढ़ाई में बिजी हो गया, कोई शादी करके चला गया, किसी की शादी होने वाली है, अल्लाह क्या क्या मतलब कितने सीखे थे हम लोग और कितने बड़े हो गए ये सब, वो तो होना ही था खैर, लेकिन अभी कोई मिलता भी नहीं इतने जल्दी क्योंकि सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। और गाइस इधर से ही मैंने खाना बनाना सीखा था, और इधर पता है हम लोग जब ये घर छोड़ के जाने वाले थे, मतलब जब हम लोग मीरा रोड शिफ्ट होने वाले थे ना, तो यहाँ पे कुकर फट गया था एंड वो पूरी जो ऊपर की दीवार है ना वो पूरी फट गई थी, मतलब कुकर की सीटी इतने जोर का उड़ी थी कि वो जो ऊपर जो मतलब क्या बोलते सिनामेंट कुछ तो था वो पूरा फट गया था। तो बस वही सब ऐसे याद करते 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 हो रहा था मुझे कुछ अजीब सा, तभी कुछ नहीं यहाँ पर ही मैं करती हूँ व्लॉग एंड, क्योंकि हम लोग को कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हम लोग का फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हम लोग का फंक्शन होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, और देखते हैं बस दुआ करना हम लोग के लिए कि हम लोग का उम्रा कबूल हो और हम वहाँ से जाके आए तो अच्छे से, वैसे भी अच्छे से ही रहते हैं हम लोग, लेकिन अल्लाह हम लोग को थोड़ा और समझ दे और इज्जत दे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ व्लॉग एंड, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।